बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो है मैं नेक्स्ट फिगर डिस्कस करने लगी हूँ, वो है इम्तियाज़ धारकर। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद कोई आदमी होगा, लेकिन ये फीमेल हैं, जो कि पैदा हुई 31 जनवरी 1954 को लाहौर में, एंड शी इज़ स्टिल अलाइव। ये जो है ग्लासगो में रेज हुई, और इन्होंने अपना टाइम जो है वो लंदन और मुंबई के दरमियान में स्प्लिट करा है, और मैरिड हैं। ये वेल्स में मैरिड होने की वजह से अब ये प्रोक्लेम करती हैं कि मिक्स्ड हेरिटेज को, एंड इन्होंने अपने आप को कल्चरल मॉन्ग्रल भी कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि जिन जिन प्लेसेस पे ये रही हैं उन सब से ये बहुत इन्फ्लुएंस हुई हैं, और उन्होंने अपने आप को इस चीज़ में डिस्क्राइब भी किया है। इनकी राइटिंग में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एजुकेशन भी इन्होंने जो है ना जहाँ पे ये राइज हुई है इन्होंने वहीं से ली है। तो डाइवर्सिटी जो इनकी राइटिंग में थी वो जैसे देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में मूव किया है कंट्रीज़ में। जैसे कि इनकी जो है शादी भी होगी लाहौर से, ये इंडिया के एरिया में रही हैं, और उसके बाद लंदन इनका शिफ्ट हो जाना। तो इन्होंने जिन सब्जेक्ट्स पे लिखा है वो है एग्जाइल, डिस्प्लेसमेंट, कंफ्लिक्ट, ग्रीफ, होम, फ्रीडम एंड फेथ। प्लीज़ अपने हाथों में पेंसिल रजिस्टर लाजमी रखिएगा, बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग द स्लाइड्स प्रॉपरली, आई एम ओनली मेंशन द हेडिंग्स। सो आपने भी मेरे साथ कॉपरेट करना है। ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम क्रिएटिंग दिस लेक्चर, सो प्लीज़ कॉपरेट विद मी। ओके, इनको जो है ना ट्रूली एक ग्लोबल पोइट भी जाना जाता है। ये फॉर्मर ब्रिटिश पोइट लॉरिएट हैं, और इनको पब्लिश्ड पोइट भी कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने 7th कलेक्शन अपने वर्क की पब्लिश करवाई हैं। और ये एक आर्टिस्ट भी रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक सोलो एग्जीबिशन जो है अपनी ड्राइंग की यूके, इंडिया और हांगकांग में क्या की थी, मैनेज की थी। और इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है एज अ स्कॉटिश मुस्लिम कैल्विनिस्ट। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी हैं, इंडिया की रह चुकी हैं, और इनको चांसलर ऑफ न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट किया गया था जनवरी 2020 में, और इन्होंने एक अवार्ड भी विन किया है, क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री इन 2004। और इनके बारे में जो एनी डफ कहती हैं कि अगर दुनिया का कोई होता ना लॉरिएट, तो मेरे नज़दीक जो ये किरदार सबसे अच्छे तरीके से निभा सकता है ना, वो है इम्तियाज़ धारकर। अब हम इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है पर्दा, जो कि 1988 में उन्होंने लिखा। पोस्ट कार्ड फ्रॉम गॉड 1997 में उन्होंने लिखा। आई स्पीक फॉर द डेविल 2001 में। लिविंग फिंगरप्रिंट्स 2009 में उन्होंने लिखा। द टेररिस्ट एट माई टेबल 2006 में, एंड द लेटेस्ट लक इज़ द हुक 2018 में। और इनकी पोइम्स में ना मतलब इनकी जो पोइम्स हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सरिकुलम में भी अब ऐड होती हैं, और वो जो ये इम्तियाज़ धारकर है ना वो रेगुलरली अपनी जो पोइट्री है वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, आर्ट फॉर्म्स में, लिटरेचर फेस्टिवल्स में शेयर करती हैं फॉर रीडिंग पर्पज़। ओके, धारकर ने जो है बहुत से प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑनर्स को विन किया है। इन अकॉर्स कोड एट द लाहौरी कढ़ाई जो है वो एड है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इट्स ऑन पेज नंबर 95। देन लुक एट द ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम। ये एक ओड है इमिग्रेंट एक्सपीरियंस की, ठीक है, जिसमें नॉस्टैल्जिया है, जो कि किस चीज़ से याद है कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं जिसका लाहौरी कढ़ाई जिसका उन्होंने नाम रखा हुआ है, और लंदन में वो विज़िट कर रही हैं, और वहाँ पे वो बैठती हैं तो उनको क्या होता है कि ना अपने होमलैंड की याद आ जाती है, ठीक है, और उनको होमलैंड की याद आती है, और शी वॉज़ लाइक कि वो पीछे की दुनिया में चली गई हैं, लाइक वो बहुत पीछे चली गई हैं जब वो वहाँ पे रह रही थी अपने इमिग्रेशन से पहले। ये जो पोएम है इसमें कल्चरल रेफरेंसेस मिलते हैं हमें, और इसमें पॉपुलर हिंदी फिल्म के सॉन्ग्स भी मिलते हैं, डिशेस भी मिलती है, जो कि एक्सप्लोर करता है एक आइडिया को, कल्चर के स्पेशली कल्चरल आइडेंटिटी के आइडिया को, जो कि एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस करता है। और ये जो पोएम है ना सेलिब्रेट करती है डाइवर्सिटी को, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड को और आइडिया को, इस चीज़ के ये जो सेंस ऑफ होम है और बिलोंगिंग इन फॉरेन लैंड है,
मतलब कि हम जो है अपने घर से दूर रहने के बावजूद भी अपने घर से दूर नहीं रहते, कहीं ना कहीं उसकी यादें जो हैं वो अटैच्ड होती हैं। इस पोइम की जो टोन है वो नॉस्टैल्जिक है, मेलानकोलिक है, सारी पोएट्री है और कन्वर्सेशनल है। इमेजरी जो है इसमें क्या है कि यहाँ पे विविड डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है फूड की, म्यूज़िक की और एटमॉस्फेयर की, ट्रांसपोर्टिंग की, जो के रीडर है टू द रेस्टोरेंट। और इसमें हमें सेंसरी डिटेल्स भी मिलती हैं जैसे कि अरोमा ऑफ स्पाइस, तंदूरी चिकन, बैंगल्स क्लिंकिंग, और ये क्या करती है एक रिच सेंसरी एक्सपीरियंस को पैदा करती है। इमेजरी ऑफ द लाहौरी कढ़ाई साइन एंड द न्यून लाइट्स ऑफ द लंदन ब्रिक लेन इवोक अ सेंस ऑफ कल्चर फ्यूजन। अब जो ये लाहौरी कढ़ाई है और ये जो साइन उन्होंने न्यून लाइट का लगाया हुआ है, लंदन ब्रिक्स की लेन है, वो क्या किस चीज़ को इवोक कर रही है, एक कल्चरल फ्यूजन को इवोक कर रही है। मतलब वो बैकग्राउंड पीछे चलेगी ना, अपने होमलैंड में चलेगी। इसकी जो थीम्स है वो क्या है, नॉस्टैल्जिया है, लॉन्गिंग फॉर वंस होमलैंड है, कल्चरल आइडेंटिटी है और इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है, द पावर ऑफ फूड म्यूजिक टू इवोक इमोशंस एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, देन ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडेंटिटीज। सिंबल्स इसमें है जी द लाहौर कढ़ाई रेस्टोरेंट रिप्रेजेंट अ कनेक्शन टू द पास्ट एंड द कल्चरल हेरिटेज। जैसे मैंने पहले बताया कि वो पीछे की अपनी लाइफ में चले जाते हैं। फूड और म्यूजिक सिंबलाइज करता है यहाँ पे कंफर्ट और जॉय को जो कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तंदूरी चिकन और बासमती राइस ये रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर की फ्यूजन को। पोएटिक डिवाइस इसमें जो यूज़ की गई हैं एंजॉयमेंट एंड कैजरा जो कि क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ फ्लो को और कन्वर्सेशन को। मेटाफर जो कि था द अरोमा ऑफ स्पाइस इज अ जर्नी इन इटसेल्फ, और पर्सोनिफिकेशन द बैंगल्स क्लिंकिंग लाइक अ कोर्स ऑफ अप्रूवल। एलिट्रेशन यूज़ की है इन्होंने और एजोनेंस भी ऐड किया है, म्यूजिकलिटी एलिट्रेशन एंड एजोनेंस जो है वो ऐड करते हैं म्यूजिकलिटी टू द पोएम। मैसेज जो इस पोएम में है वो ये है, द पोएम सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ कल्चर एंड द कम्युनिटी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू वंस हेरिटेज वाइल इम्प्रेसिंग न्यू एक्सपीरियंसिस। The poem also explored the idea that home is not just a physical place, but also a sense of belonging and connection to others. उर्दू में भी बता देती हूँ, रोएना जो poem है वो celebrate करती है एक सकाफत को, एक community को जो के लोगों को आपस में जोड़ के रखती है और highlight करती है इसकी अहमियत को, एक person के heritage के जो है ना उसकी अहमियत को जो है ये highlight करती है। और ये चीज़ इसमें शो की गई है कि आप बेशक दूर हो लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने कल्चर्स के साथ क्या होते हो, जुड़े हुए होते हो। और इस पोएम में ये आइडिया एक्सप्लोर किया गया है कि जो होम है वो सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं है लेकिन एक सेंस है, एक ख्याल है जिससे आप जुड़े हुए हो और जो कि दूसरों से कनेक्ट होता है। इस पोएम में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लोर किया है एक इमिग्रेंट के एक्सपीरियंस को, कल्चरल आइडेंटिटी को और फूड म्यूज़िक और कम्युनिटी के जो मतलब लोग जो जैसे जब हम फटते फूटते हैं यानी कि बड़े होते हैं, जो हमारा जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है, इस सब चीज़ को उन्होंने क्या किया इस पोएम के अंदर इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो पोएम है ना वो ये है कि एक पर्सन जो है वो विज़िट करता है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को जो कि कहाँ है, लंदन में है, और नाम क्या है उसका, लाहौर कढ़ाई। अब जो रेस्टोरेंट है वो क्या करता है, उनको अपने घर की, होम टाउन की, कल्चर की याद दिलाता है। और वो क्या एक बहुत ही ताकतवर एहसास को वो महसूस करती हैं। और उन्होंने इस पोएम में खाने को भी बड़ा मज़ेदार उन्होंने एक्सप्लेन किया है और म्यूज़िक जानदार बताया है, कोजी उन्होंने एटमॉस्फेयर यहाँ पे शो किया है। और ये भी दिखाया कि लोग कैसे आपस में गठे रह रहे हैं और उनको बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपने घर में है। और इस पोएम में ही सेलिब्रेट किया गया है जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी जॉय को, फूड की जो पावर है, म्यूज़िक का जो कनेक्शन है पीपल के साथ, और जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है यही क्रिएट किया गया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू कवर अदर फिगर्स टू। लेकिन कहीं से समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से बैक करके आपने सुनना है एंड मस्ट मेक योर नोट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।